गोरखपुर जनपद के एसएसपी पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को शासन के निर्देशानुसार समस्याओं को शीघ्रता के साथ और क्वालिटी के साथ निस्तारित करने को कहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि तहसील थाना दिवस सहित जन शिकायतों के सभी मामलों को प्रभावी ढंग से निस्तारित किया जाएगा और संदिग्ध स्थानों और व्यक्तियों की चेकिंग की जाएगी। उन्होंने इस संदर्भ में बताया, सर क्राइम मीटिंग की है तो क्या निर्देश दिए हैं? इस तरह क्राइम मीटिंग में बेसिकली थाना अध्यक्षों को बताया गया है कि जो भी शासन के निर्देश हैं उसको बहुत ही शीघ्रता से और क्वालिटी के साथ निस्तारण करें। खासतौर से जो तहसील दिवस के समाधान दिवस के जो प्रकरण हैं या जो जन शिकायत के मैटर्स हैं उसमें समय अवधि के साथ क्वालिटी डिस्पोजल। इसके अलावा जो पुलिस से रिलेटेड जो हम लोग के पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन हैं, जो विवेचनाएँ हैं या जो भी हम लोग के विभिन्न अभियान चलते हैं, चाहे वो एंटी रोमियों से रिलेटेड हों चाहे डेली बेस के ऊपर जो अभियान चलते हैं उसके अंदर प्रभावी कार्रवाई करना और निरंतर रूप से सतत रूप से करना। इसके अलावा जो डीजीपी हेडक्वार्टर से जो हम लोग को निर्देश आए हैं पुलिस अभिरक्षा को लेके, इसके अलावा जो और जो हम लोग की क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेके, उन सब के बारे में उनको ब्रीफ किया गया और साथ ही साथ लगातार हम लोग केसेस का अनावरण करते हैं और किस तरीके से हम पब्लिक का जो पुलिस का बिहेवियर है और जो समय समय पर जो शिकायतें आती हैं उसको कम करने का प्रयास करते हैं। सर संदिग्ध लोगों के लिए क्या चेकिंग अभियान को चला रहे हैं? विभिन्न तरह के चेकिंग अभियान हम लोग समय समय पर चलाते रहे, आगे भी चलाएंगे, चाहे मॉर्निंग वॉकर से रिलेटेड वो ऑपरेशन जो ऑल आउट है, ग्राइंड चेकिंग है, कभी कबाड़ियों का सत्यापन है, कभी बॉर्डर सील करके चेकिंग है, ये डिफरेंट चेकिंग्स हम लोग डिफरेंट समय पे कराएंगे। साथ ही साथ शील हम लोग बलवा डेल का भी रिहर्सल कराएंगे। वाहन के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए क्या है जी? उसका आज जो चेकिंग कराई गई खासतौर से उसमें ये चीज बताई गई जो आप बताए, उसके साथ साथ जो काली फिल्म लगा के गाड़ी है उसको अतिरिक्त जोड़ के हम लोग का प्रयास है। चेकिंग के अंदर भी इस चीज के लिए निर्देश दिए गए कि बुजुर्ग या महिलाएं जो हैं उनको आकरण परेशान ना करके और व्यवहार जो है उसका ध्यान में रखते हुए चेकिंग की जाए।